अगर तो आपको हिप जॉइंट में पेन होता है, यानी कि कॉलेज में दर्द है, यहाँ पट्टों में दर्द है, अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क है, डेस्कटॉप वर्क है, ज़्यादा टाइम आपका बैठ के गुजरता है, या जब आप चलने लगते हैं आपको कोलों में दर्द महसूस होता है, ये किसी डॉक्टर ने आपका डायग्नोस आर्थराइटिस बनाया है, जो स्टैटिक पेन बनाया है, ये पट्टों का खिंचाव बताया है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइज गाइड करूंगा जो कि आपके पेन को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर रेहान और बाय प्रोफेशन में एक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम हिप जॉइंट से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपको हिप जॉइंट यानी कोलों में दर्द है तो आप ये वर्जिशें कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो एक्सरसाइज है उसे हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें आपने सीधा लेट जाना है और अपने घुटने के नीचे कोई तकिया रख लेना है, जैसे मैंने फिस्ट रखी है, तो इस घुटने से आपने पिलो के नीचे प्रेस करना है। प्रेस करो, सबसे पहले आपने घुटने के नीचे कोई पिलो प्लेस करना है और घुटने से उसको नीचे दबाना है। 5 to 7 सेकंड के लिए होल्ड करोगे, 8 to 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। 5 to 7 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 8 to 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो एक्सरसाइज आएगी उसमें आपने दोनों नीज को बेंड कर लेना है। इसमें आपने अपने घुटनों के दरमियान में कोई पिलो रखना है और दोनों घुटनों से इसको आपस में प्रेस करना है। प्रेस करो, 5 to 7 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे, 8 to 10 रेपिटेशन कर सकते हैं, यानी 8 से 10 मरतबा ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह शाम 2 मरतबा आप कर सकते हैं वर्जिश। तो इसमें जो है, इसमें जितने हमारे एबडक्टर्स होते हैं बाहर के, उनकी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, उसमें वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे। तो 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, एक में घुटने के नीचे रखना था, एक में घुटनों के दरमियान में रखना है। तीसरे नंबर पर जो एक्सरसाइज है उसमें आपने घुटनों से बाहर की तरफ जोर लगाना है। जो दूसरा पर्सन आपको वर्जिश करवा रहा होगा वो बाहर से रेजिस्ट करेगा और आपने बाहर की तरफ जोर लगाना है। जोर लगाओ, ये बाहर जोर लगा रहा है, मैं इसे रेजिस्ट कर रहा हूँ। 5 to 7 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा, फिर आराम से छोड़ना है। आराम से छोड़ो, सडन नहीं छोड़ना, एकदम से नहीं छोड़ना, आराम से छोड़ेंगे। दोबारा जोर लगाओ बाहर की तरफ, 5 to 7 सेकंड के लिए होल्ड होगा, 8 to 10 रेपिटेशन करेंगे, 8 से 10 मरतबा कर देंगे वर्जिश। चौथे नंबर पर जो एक्सरसाइज है उसमें आपने अपनी टांग को सीधा ऊपर उठाना है, इस लेग को सीधा कर लें, एक लेग को फोल्ड कर लेंगे। इस लेग को फोल्ड इसलिए किया ताकि बैक के ऊपर आपके एक्सेसिव स्ट्रेस ना पड़े, आपकी बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा आ जाए जब आप ये लेग ऊपर उठाएंगे, तो बैक के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, ज्यादा दबाव ना पड़े। अगर आप मोहरों के मरीज हैं तो इससे आपका पेन ज्यादा हो सकता है, इसलिए इस लेग को फोल्ड कर लेना है और दूसरे लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाओ इसको, पाँव को इन्वर्ट ले जाएंगे, ठीक है, और इसको 70 डिग्री तक उठाएंगे। 70 डिग्री से ज़्यादा भी आप उठा सकते हैं, लेकिन बेहतर है उसके लिए आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि बाद पेशेंट्स में जो है, जैसे जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है और जो मोरों के मरीज होते हैं, उन्हें 70 डिग्री से ज़्यादा हम जो है वो SRI यानी कि स्ट्रेट लेग रेज नहीं करवाते। 5वें नंबर पर जो एक्सरसाइज है उसमें आपने उल्टा लेटना है, उल्टा लेट के आपने अपनी लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाना है, सही है। इसमें घुटने के अंदर कोई खाम नहीं होना चाहिए, घुटने को स्ट्रेट रखना है। 5 to 7 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर इसको वापस ले जाओ, इसी तरह इसको दोबारा से उठाओ। ये एक्सरसाइज भी आप 8 to 10 रेपिटेशन के साथ कर सकते हैं, यानी कि 8 से 10 मरतबा कर सकते हैं। कोशिश करें 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। और ये 5 एक्सरसाइज जो हैं बेस्ट एक्सरसाइज हैं। अगर तो आपको हिप जॉइंट का पेन है या पट्टों में दर्द है, कोलों का दर्द है, तो ये वर्जिशें आपके पेन को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।